देव से श्याम चंद्र की जय। श्याम चंद्र की जय। महाराज जी, हम लोग का भाग है बड़े भाग पाइए सत्संगा दृढ़ प्रयास हो भंगा। आज महाराज जी जो बोले थे तो हमारे बीच माननीय मुखिया जी आए हैं, तो दो मिनट समय आपका ले रहा है, बहुत समय है। तो मैं इस ये जो हमारे गांव समाज में जो ये यज्ञ हो रहा है इसका निमित्त क्या है कि बहुत दिनों से ये मंदिर के लिए ये गांव के सारे प्रेमी लोगों ने रखे थे कि मंदिर बनवाएंगे, और हनुमान जी की कृपा हुई है कि आज सत्संग भी हो रहा है, और गांव के सारे पंचायत के कम से कम से 200 पंचायत के लोग आए हैं हम लोगों को सम्मान देने के लिए। शोभा कथा कहती है कि आप दो भाई हैं, चार भाई हैं, चार अगर से पत्नियां ये लड़ेगी कम से कम भाई भाई में प्रेम राम और लक्ष्मण की तरह होना चाहिए। जिस घर में फूट हुआ उस घर का लूट हुआ, पड़ोसिया का पड़ो फीट हुआ। विचार विचार भाई का धर्म। एक जगह दो भाई रहे, दोनों भाव बड़ा बड़ा प्रेम रहे, लेकिन दोनों के पत्नी जो रहे लड़ खाए रहे लड़बे न करे कितना भी चले, दोनों भाई विचार करे कि की करबे रोज लड़े। अभी मुखिया चले कहीं खाए माट खाए ले को दुनू महंगे पड़ी। बड़का भाई बहन के छोटा घाट खारा को प्रेम रहे दिया, लेकिन ये अलग अलग घर बन ही ले दूर हम रहे थे न दिया क्यों हूँ भीरों नम नहीं देते फारा भाग ले या खटखटीलो मीटर के दूरी पर घर बन। बड़का भाग पूछे हिमो समय पकड़ा गए गरीबी समय आ गई। बड़का भाग दिन दिन के भूखलो अले छोटा के यहाँ जा चाहिए एक बोरा को हम मंदिर, लेकिन छोटा भाग दुआरी पर नहीं रही भतीजा का छल के ले लू पप्पा करने गलू। भतीजा के लिए बड़का बाबू पप्पा का जी खेत हो ही खेत गए माया दिल के चार चमेटा खेत गए चलो जो पूर्णी हम खेत गए देवो देवो तूने अलग अलग बड़का भाई के लिए भंसिया बच्चा नारे जो कथित हम कुछ नहीं कर लेता भोजा उजा भोजो तो तीन दिन भोगलो बेचारी की आग ही तो लाग ले रही है डीजल धारी बच्चों पड़ोस बड़का भाई लौटी गए रास्ते मिले छोटका छोटका के लिए भैया करने गए कलके तो रहे रहे जलो जो कलके खाई नो ना कलके दो भाई की खाई खाई बंसिया के लियो भुजा भुजा के को चूल हम अपने कमो में भाग 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 छोटका भाई बड़ा तक नहीं भेले भैया हमरा पढ़े नहीं छे भैया कॉपी किताब दे दे भैया तनी तक दूध खाए रे ढेर के दूध हम रहे थे ये सब याद सब भाई आने रहता सैकड़ों में एक दो भाई है जो भाई जो भाई के साथ ये हैं याद रखना। छोटा भाई करके भैया वो बात
सात है मुट्ठी पूछ सही, वह नर नरक में जाएगा नौती पूछ समेत। भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन से कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो नर मछली खाएगा अब पुण्य घटेगा पाप बढ़ेगा घोर नरक में जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जाति का पक्षपात नहीं लिया, कोई जात रहे जब गलती करते वह जल जीते। भगवान कहते हैं कोई भी हो जो मांस मछली खाएगा उसको नरक में जान जान। ब्राह्मण भया तो का भया हम भिन्न में सूत भजन भेद जंगल नहीं भय जंगल का भूत। कबीर साहब कहते हैं ब्राह्मण वो है कौन जो ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लिए हैं, जो ब्रह्म की चिंतन करते हैं, जो वेद शास्त्रों की ज्ञाता है, जो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, जो जीव पर दया करते हैं, जो माँ बाप का सेवा करते हैं, भाई की तरफ कटिया नहीं धकियाते हैं, जो मांस मछली अंडा दारू शिखर गुटखा इत्यादि नहीं खाते हैं, एक ईश्वर का भजन करते हैं, चाहे कोई भी जात हो ब्राह्मण वो है। कबीर साहब फैसला सुना सिर्फ जात ब्राह्मण है, आप वैष्णव नहीं है। करोड़ों करोड़ों पठवा को फुलास करके आप हत्या करवा दिए हैं। कवन में जनो बंधे हैं, कबीर साहब कहते आप ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण भया तो का भया में सूद अब भजन भेद जमने में ही भरी जंगल का भूत। पाठ बच गए यही पाठा बढ़िया बड़का बड़ा छोट के चढ़ुआ जीवन में चाहे सजनों। भगवान श्री राम कहते हैं परम धर्म की विधि अहिंसा परमंदा समाधुमता, मनुष्य को अहिंसक होना चाहिए, हिंसा कभी नहीं करना चाहिए, अपने शरीर के मांस बढ़ाने के लिए दूसरे का मांस कभी नहीं खाना चाहिए। चलिए संत महात्मा ही कि मानव जीवन में सुंदर कर्म की चीज। चलिए बहुत सुंदर कथा आज मैं रामचरितमानस से रख रहा हूं। और हनुमान जी का नाम संकट मोचन कैसे पड़ा, संकट मोचन हनुमान का उपाधि हनुमान जी को किसने दिया, तो भगवान श्री राम ने दिया। आज दिन से तेरा नाम संकट मोचन हनुमान रहे। कि जो भगवान कभी संकट दूर कर दे उन्हीं का नाम हनुमान। प्रसंग का बोल है लक्ष्मण शक्ति कैसे हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाए हैं, कैसे सुखन वैद्य चार प्रकार के बूटी निकाले हैं और बूटी पीसने के लिए लोही से लाफिर से हनुमान जी कहां से लाए हैं, ये कथा आई है। पंचवटी से सीता जी को चुरा कर ले गया रावण। भगवान श्री राम सुग्रीव को अपना मित्र बनाकर लंका पर चढ़ाया है। चलिए सभी माँ बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुग्रीव का अपार सेना लेकर भगवान राम लंका पर चढ़ाया है। घा
भीषण युद्ध हुआ, रावण के तरफ से बड़े बड़े योद्धा मारे गए। तब एक दिन रावण का पुत्र मेघनाद अपने पिता रावण से आज्ञा लेकर चरस समर भूमि की मैदान में आज राम और लक्ष्मण का नामों निशान मिटा दिया। रावण का बेटा सबसे प्यारा बेटा मेघनाद बेटा, बेटा का नाम तो सुने हैं, बेटा हो जाए चार रंग के, चार प्रकार के बेटा, एक ऋणी, एक शत्रु, एक उदासी, एक सेवक। माँ बाप जिंदा है, किसी कारण बस पुत्र ही दुनिया से विदा हो जाए उसे कहते हैं ऋणी पुत्र। पुत्र बनकर आया लेकिन पुत्र अपना नहीं था, उसका ऋण किसी जन्म में लिए थे, जितना बाकी था वो ऋण चुका करके वो अपना फिर चला गया। आप लोग भी किसी का ब्याज पर पैसा उधार लेते हैं जैसे तैसे उसको दे दिए, नहीं तो बहुत दिन तक आपका पीछा कर शत्रु। यदि आप किसी को सताए हैं ये जमीन के लिए फलना था काला अपना गाड़ी जावा है जब अल्लाह छीट चली जाए जो तल करिए आप उसको सताए हैं कभी न कभी वह आपके यहाँ बेटा पाल करके आएगा। अब आपको सताएगा, बेटा दारू पिएगा, जमीन बेचेगा, बुढ़वा कुत्ता खेगा, उससे शत्रु को जीवन में आप कभी किसी को सताइए। धन के घमंड प्यारे दृष्टि से दूर कर दौलत माल खजाना सही छोड़ के जाना है, हुज्जत जड़ाई की कुछ काम नहीं, काहे को किसी से बढ़ कर जाना है। लाखा में एक बार तुमसी बताए जात, काहू को सताओ मत, अंत तुझे यहाँ से मर कर के जाना है। चौथा पुत्र उदासी, पिताजी ने पुत्र का विवाह किया धूमधाम धाम, एकदम बैंड व पार्टी मुरक्षा भीषण भीड़ कड़कड़ाए और इतने लोग अलग बोलते बचवा शादी कर लिया कन्या बचवा सुन 1.5 लाख टका ले हम मोटरसाइकिल लड़का के माँ जी से यज्ञ कहे दीदी जय माता देखी बड़ा सुंदर जय माँ चाहे भगवान बड़ा सुंदर पुता हुआ। जब 4 साल के बाद घुसल चोर हरी बेटा मोर मंत्र करो माँ बाप के छोड़ो फरक माँ बाप ले बेटा फरक माँ जैसे कचिया लग रही बेटा पुतो फरक मैं दीदी एक गाय समझा जाएगा हमें बुढ़वा भैया चाहे दीदी हमारा नसीब हो गया लिख ले दीदी की कर जिस से माँ बाप उदास हो जाए उसे उदासी पुत्र कहते हैं। आज हम समाज में घूमते हैं एक माँ बाप 5 बेटा को पोष पाल करके पेट भर करके जवान कर देते हैं लेकिन 5 बेटा मिलकर एक माँ बाप का पेट नहीं भर पा पाते। जहरीला भई आर बहुआ भई ले प्यारी
बबुआ पल के भैले भूल गई रे बाप महारानी बबुआ पल के भैले।